नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। 30 मार्च को आने वाली है भोला, 17 मार्च को आने वाली है कब्जा। अब यहाँ पे एक मंथ के अंदर दो बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है। कौन सी मूवी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होती है, कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा हाइप है और कौन सी मूवी भैया सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ कमाई करेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, डिटेल के अंदर जानते हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटी सी गुजारिश है, भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर भैया इसी तरीके से मूवीज के ऊपर बातचीत करते रहें। अगर हम बात करें भैया कब्जा के बारे में, तो यहाँ पे ये मूवी काफी ज्यादा हाइप पकड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे इस मूवी का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे KGF 2 से जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे रवि बसु जी का म्यूजिक और यहाँ पे भैया जो है उपेंद्र राव की ये जो फिल्म है, ये काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे भैया जो है वो पसंद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका क्रेज काफी ज्यादा है और KGF का जो वाइब है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बात यह कि भैया इस मूवी की जो अभी से एडवांस बुकिंग हुई है उनके नंबर्स थोड़े से कम है। 1 करोड़ के आसपास इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो अब तक यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे बजट के अकॉर्डिंग ये जो एडवांस बुकिंग है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये जो कनाडा इंडस्ट्री है इसके अंदर जो भी मूवीज आती है यहाँ पे एडवांस बुकिंग काफी ज्यादा करती है। 120 करोड़ रुपए इस मूवी की बजट है और यहाँ पे ये मूवी अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए के आसपास एडवांस बुकिंग कर रही है। बाकी अगर हम बात करें भैया बुक माई शो के ऊपर इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे 2 लाख के इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ आ रहा है भोला। जी हाँ भैया, अजय देवगन की मस्ट अवेटेड फिल्म यहाँ पे भोला, जिसका काफी ज्यादा क्रेज भी है, उसी के साथ यहाँ पे इसके प्रमोशंस भी कर रहे हैं अजय देवगन, और यहाँ पे ट्रक निकाले जा रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और भोला जो है वो 2D 3D के अंदर भी आ रही है, तो जो यहाँ पे ओवरसीज की ऑडियंस है वो यहाँ पे 3D के अंदर काफी ज्यादा मूवीज को पसंद करती है, स्पेशली यहाँ पे कैथी की जो है वो रिमेक है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि भैया केथी से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक आइडिया लिया गया है, बाकी स्टोरी लाइन बिल्कुल ही चेंज है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भैया जो है वो केथी का थोड़ा बहुत यहाँ पे लिया गया होगा, सारी यहाँ पे चीजें जो है वो मुझे सेम लग रही है। बाकी अगर हम बात करें बजट की, तो यहाँ पे इस मूवी की बजट है सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही कम है, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि भैया ये मूवी जो है वो बहुत बड़ा कमाल करने में कामयाब हो सकती है। बाकी अजय देवगन की मूवी से भैया थोड़ा बहुत तो इसके अंदर हाइप क्रिएट होता ही है। अब अगर यहां पे स्टोरी लाइन ओरिजिनल निकलती है, अगर यहां पे जो है वो जिस तरीके के हमें इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से यहां पे 3D के अंदर इस मूवी को डिजाइन किया गया है, ये प्रॉपर तरीके से चीजें अगर सही बैठती है, तो मैं समझता हूं कि भोला भी एक नया रिकॉर्ड बना सकता है और यहां पे बॉलीवुड मूवीज के अंदर भोला सबसे बड़ा काम करने में कामयाब हो सकती है। बाकी आप क्या ओपिनियन है, क्या आप कब्जा को पसंद करते हैं या फिर भोला को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप कौन सी मूवी को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले हैं यह भी लिखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया वो भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तो ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।